आज से क्लास 12 शुरू करने जा रहे हैं, इस पर ध्यान देंगे। क्लास 12 का इंग्लिश बाबू बोथ साइड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ। बोथ साइड मीन्स बुक्स और ग्रामर, दोनों पढ़ेंगे। बुक्स और ग्रामर दोनों पढ़ेंगे। बुक्स में दो बुक आपको मैं पढ़ाऊंगा, दो बुक आपको पढ़ना भी है। एक रेनबो, रेनबो पार्ट वन सॉरी टू, और दूसरी इसी की किताब है स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ये आपको दो चीज में सिखाऊंगा। तीसरी चीज जो पढ़ना है वो है ग्रामर। ग्रामर बेसिक टू एडवांस चलेंगे, एडवांस बेसिक टू एडवांस। समझने की बात है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस का मतलब होता है कि बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ेंगे। दोबारा आपको किसी भी एग्जाम के लिए ग्रामर ना पढ़ना पड़े, उस तरह से यहाँ हम लोग पढ़ेंगे। और वीडियो जो बनेगा नंबरिंग से रहेगा, वीडियो 1 2 3 4 चैप्टर वाइज वीडियो रहेगा। अभी आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ, वो शुरू करेंगे ग्रामर। दो वीडियो रोज आपको मिलेगा, एक बुक के लिए मिलेगा और एक ग्रामर का मिलेगा। तो पहले मैं ग्रामर आज शुरू कर रहा हूँ, फिर बुक पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो ग्रामर में आप बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं। बेसिक जो कंसेप्ट है आपका वो क्या है ग्रामर? तो अब ग्रामर में बेसिक में क्या होता है कि ग्रामर सीखने से पहले, यानी मैं कहूंगा कि ग्रामर सीखने से पहले कुछ चीज हैं जिन्हें आपको सीखना पड़ेगा। तो बेसिक में जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूं, मैं आपको लेके चलूंगा। देखिए होता क्या है कि सिर्फ हम लोग क्लास के लिए पढ़ लेते हैं, पढ़ने से नहीं होगा। पढ़ने का मतलब होता है कि आप ऐसे लिख लीजिए, समरी लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, किसी पर ऐसे आए तो ऐसे आप लिख सके, खुद से लिख सके। इस तरह से पढ़ना और मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगा। परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप एकदम जब सीख लेंगे ना तो लगेगा कि मैंने कुछ सीखा, कुछ तो पढ़ा। तो आज मैं बेसिक से लेकर चल रहा हूँ और बेसिक में मैं बात करने जा रहा हूँ कि देखिए कुछ भी कहना है तो कहने के लिए आपको एक वाक्य अगर गठन करना है, सपोज मान लीजिए एक वाक्य गठन करना है, मान लीजिए कि मैं कहूं कि कोई वाक्य गठन करना है तो वाक्य गठन में क्या आएगा? तो सब्जेक्ट, वर्ब और अदर वर्ड आते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा सब्जेक्ट का। आज सब्जेक्ट आप सीख लीजिए और सब्जेक्ट जब सिखा देंगे तो वर्ब सिखाएंगे, फिर अदर वर्ड की बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको राइटिंग स्किल पर लेकर चलूंगा। जो राइटिंग स्किल बहुत जरूरी है आपके लिए, क्योंकि होता क्या है कि बच्चे पढ़ लेते हैं 12 11 12 पढ़ लेते हैं और एक एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, या फिर मैं कहूँ यूं कहूँ
मुझको कोई दे देता है कि भाई आप अपने स्कूल पर लिखो, उस पर इवन नहीं लिख पाता है, तो कम से कम ये बीमारी दूर हो जाए, तो यहाँ से मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। फिर मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक टू एडवांस चलेंगे, इसलिए आप हर एक वीडियो को देखेंगे। चलिए तो आज मैं सब्जेक्ट से शुरू करने जा रहा हूँ, आइए देखते हैं। यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट होता है जो कोई काम को करता है, एक्शन को जो करता है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो स्वयं कुछ करता हो या जिस पर कुछ घटित होता हो वह उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। बाबू आप एक एक वीडियो का एक कॉपी तैयार करेंगे, नोट्स तैयार कर लेंगे, ये जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं, अंग्रेजी जीवन भर काम आता है। तो मैंने आपको यह सिखाया कि जो स्वयं कुछ करता हो या जिस पर कुछ घटित होता हो वह उस वाक का सब्जेक्ट होता है। जैसे मैं कहूं कि रवि बाजार जा चुका है, भारतीय किसान कड़ी मेहनत करते हैं। छपरा में दारू शराब बेचा जाता है। यहाँ व्याकरण पढ़ाई जाती है, पुस्तकें छापी जा रही है। ध्यान देना है बाबू, यहाँ जो मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ तो आप इसमें सब्जेक्ट निकालेंगे। पहली बात, इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात को यहाँ ध्यान देना, सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या प्रो नाउन होगा। किसी भी वाक का सब्जेक्ट दो ही चीज हो सकता है, या तो नाउन या तो प्रो, दूसरा सब्जेक्ट नहीं होता, तो याद रखें। अब इस वाक्य में हमें देखना है कि सब्जेक्ट कौन है, तो नाउन खोजेंगे। तो एक नाउन रवि है और दूसरा नाउन बाजार है। तो यहाँ लेकिन सब्जेक्ट में यह देखना है कि इस वाक्य का सब्जेक्ट कौन है।
मैं ये भी सिखा देता हूँ आपको कि सब्जेक्ट कैसे निकालेंगे, ठीक है। एक गुरु मंत्र दूंगा जिससे आप वाक का सब्जेक्ट निकालना सीख जाएंगे। वैसे यहाँ रवि है, इस वाक्य में भारतीय किसान है, अकेले न भारतीय है न किसान है, दोनों है, ठीक है। अगला में छपरा में दारू बेचा जाता है, नाऊ ने भी है बाबू और नाऊ शराब भी है दारू भी है, लेकिन इस वाक का सब्जेक्ट छपरा नहीं है बल्कि दारू है। यहाँ व्याकरण पढ़ाई जाती है, व्याकरण एक नाउन दिखा, इस वाक का सब्जेक्ट नाउन है, पुस्तकें छापी जा रही है, यही इसमें नाउन है, यानी यही इस वाक का सब्जेक्ट है। अब ध्यान देना है कि यहाँ हमने आपको बताया कि जो स्वयं कुछ करता हो या जिस पर घटित होता हो, यानी सब्जेक्ट भी दो तरह के होते हैं। दो चीजें मैं आपको अभी बताऊंगा कि सब्जेक्ट दो तरह के होते हैं, उसके पहले मैं आपको सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट निकालेंगे। तो पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ जो है रवि पर स्वयं रवि किसी काम को कर रहा है, यानी किया है, रवि बाजार जा चुका है तो जाने का काम कौन किया है, तो रवि किया है, यानी इस बात का सब्जेक्ट आपका रवि होगा। कोई दिक्कत समझ में आई बात? इस वाक्य में भारतीय किसान किसी काम को करते हैं, मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, तो भारतीय किसान इस वाक का सब्जेक्ट होगा, यानी स्वयं कर रहे हैं। छपरा में शराब या दारू बेचा जाता है, इस वाक में दारू या शराब जो है वो कुछ कर नहीं रहा है बल्कि उस पर कुछ घटित हो रहा है, अर्थात मैंने कहा ना जो कुछ करता हो या जिस पर कुछ घटित होता, तो यहाँ जो है बाबू घटित होने वाला भले इस बात का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि कोई ना कोई नाउन होगा तो नाउन यही दोनों है, लेकिन इस बात का सब्जेक्ट दारू है यानी शराब है, क्लियर। तीसरे में यहाँ व्याकरण है, ये भी कुछ कर नहीं रहा है बल्कि उसको घटित हो रहा है, क्यों? यहाँ व्याकरण पढ़ाई जाती है, तो व्याकरण क्या करता है, पढ़ाने वाला मैं हूँ, पढ़ने वाले आप हैं, तो व्याकरण बेचारा क्या करता है, अर्थात ये सब्जेक्ट होते हुए भी ये कुछ कर नहीं रहा है बल्कि इसी पर कुछ घटित हो रहा है। अगला, पुस्तकें छापी जा रही हैं, तो पुस्तकें क्या कर रहा है, छापने वाला तो कोई और है, तो पुस्तक कुछ कर नहीं रहा है लेकिन इस वाक का सब्जेक्ट पुस्तक ही है, क्यों? क्योंकि वाक का सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो स्वयं कुछ करता है या जिस पर कुछ घटित होता है, तो यहाँ पुस्तक पर कुछ घटित हो रहा है। चलिए, तो आसानी से आप समझ गए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, तो सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो स्वयं कुछ करता है या जिस पर कुछ घटित होता है। दूसरी बात, सब्जेक्ट के बारे में एक और चीज सीखे कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, क्लियर है। चलिए, अब फिर मैं सब्जेक्ट के बारे में अभी आपको सिखाता हूँ कि कैसे निकालते हैं, फिर बात करेंगे कि ये सब्जेक्ट जो अभी जो स्वयं कुछ करते हैं जिस पर घटित होता है उन्हें किस नाम से पुकारा जाता है। तो चलिए यहाँ देखते हैं कि किसी वाक से सब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे। तो हाउ, एक स्टार लगा के लिख लेना बाबू, बहुत भेबी आई है ना, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, हाउ टू फाइंड आउट द सब्जेक्ट फ्रॉम द सेंटेंस, यानी किसी वाक से आपको, किसी वाक से आपको अगर निकालना है सब्जेक्ट तो कैसे निकालेंगे, तो क्या करते हैं, उत्तर जान लीजिए कि दिए हुए वाक्य के क्रिया में हु या व्हाट लगाकर प्रश्न करते हैं और
जो जवाब आता वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। एक गुरु मंत्र है, इसको रट लेना है। यानी किसी वाक्य से सब्जेक्ट को कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए दिया है कि दिए हुए वाक्य के क्रिया में कौन या क्या लगाकर प्रश्न करें और जो जवाब आ जाए वही उस वाक्य का सब्जेक्ट होता है। वही उस वाक्य का क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं निकालना सिखाता हूं यहीं से। मान लीजिए ये हिंदी का वाक्य है, क्योंकि आपको हिंदी से ही अंग्रेजी ट्रांसलेट करना है, उर्दू से ही हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है, बंगला से ही हिंदी में अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है। तो इस वाक्य को देखिए गौर से। मान लीजिए इस वाक्य में आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तो अगर नहीं ढूंढ पाते हैं तो क्रिया क्या है, जा चुका है, तो प्रश्न करेंगे कौन जा चुका है। आंसर क्या आएगा बाबू, ध्यान से देखो। रवि आएगा कि बजा, तो आंसर आएगा रवि, यानी इस वाक का सब्जेक्ट रवि है। क्लियर? मान लीजिए मैं इसमें कहूं कि छपरा में दारू बेचा जाता है, तो क्रिया क्या है, बेचा जाता है। कौन बेचा जाता है या क्या बेचा जाता है, तो वस्तु है, तो क्या होगा, क्या बेचा जाता है, क्योंकि कौन बेचा जाता है पर जवाब ही नहीं आएगा, तो क्या बेचा जाता है, तो आंसर आ जाएगा बाबू शराब, शराब या दारू। यानी इस वाक का सब्जेक्ट क्या है, तो शराब है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। एकदम मैं आपको बोला हूं ना, बेसिक से लेकर चलूंगा और हीरो बना दूंगा, जीरो से हीरो लेवल तक। अंग्रेजी फिर नहीं कहेंगे कि अंग्रेजी नहीं आता, अंग्रेजी आप बढ़िया से लिखना पढ़ना बोलना तीनों सीखेंगे। बस पाथफाइंडर के जो ये क्लासेस हैं, अंग्रेजी का जो क्लास 12 शुरू किया हूं मैं, इसको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और जो बच्चे 12 के हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप इसका जैसे क्लासरूम नोट्स तैयार करते हैं, उस तरह से क्लासरूम नोट्स तैयार कीजिए। हर वीडियो का आपके पास नोट्स होना चाहिए, ये नहीं कि बस वीडियो देख लिए, देखने से माइंड में नहीं रहेगा, लेकिन नोट्स बना लेंगे तो आपके माइंड में रहेगा, और जब मर्जी तब वीडियो देखिए, वीडियो तो चैनल पर रहेगा ही। अब मैं आपको यहाँ सिखाऊंगा कि सब्जेक्ट में जो मैं आपको बोला था कि जो करता है या जिस पर घटित होता है उसको किस नाम से बुलाएंगे। तो बाबू कोई भी जो सब्जेक्ट होता है वो दो तरह का होता है, एक जो स्वयं करता है और दूसरा जिस पर घटित होता है। इसको कहते हैं, एक का नाम देते हैं डूअर सब्जेक्ट और एक का नाम देंगे नन डूअर सब्जेक्ट। पहले के बारे में कुछ समझ लीजिए। डूअर कौन होता है, जो स्वयं कुछ करता है, जैसे रवि बाजार जा चुका था, मैं रवि स्वयं किसी काम को किया था, इसलिए वो डूअर सब्जेक्ट हो जाएगा। अब यहां आप सीख रहे हैं कि डूअर किसे कहेंगे और नॉन डूअर किसे कहते हैं। तो पहली बात, जो डूअर होता है जो स्वयं किसी काम को करता है। नन डूअर क्या होता है, जिस पर कुछ नहीं
घटित होता है, घटित होता है, जिस पर कुछ घटित होता है। जैसे यहां था कि छपरा में शराब बेचा जाता है, तो वहां पर शराब कुछ कर नहीं रहा था, बेचने वाले कोई और हैं, तो बेचारा शराब तो कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन उस बात का सब्जेक्ट कौन था? शराब था, क्योंकि शराब आपको सब्जेक्ट कैसे निकाल ले, क्या या कौन लगाकर प्रश्न किए, सब्जेक्ट आ गया। तो ये चीजें यहाँ से मार्केबल है, इसको ध्यान देना है आपको। आप अंग्रेजी को सीख रहे हैं, इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखना। डूअर सब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा हम लोग टेंस में करते हैं, वाओ। डूअर सब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ होता है? टेंस में होता है। और नॉन डूअर सब्जेक्ट का प्रयोग हमेशा पैसिव वॉइस में होता है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि एक्टिव वॉइस को ही तो टेंस कहते हैं। तो याद रखेंगे ये चीज। अब बात आ गई कि डूअर सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे, तो एक ट्रिक दे दे रहे हैं, इसको याद रखेंगे और उसके बाद उसको देख लेंगे कि वो स्वयं कुछ कर रहा है या नहीं। 95% लिविंग सब्जेक्ट डूअर होता है, डूअर होता है, क्लियर? यहां याद रखेंगे 95% लर्न लिविंग थिंग, लर्न डूअर सब्जेक्ट होता है, क्लियर? अब इस चीज को आपको समझने की जरूरत है कि जिस वाक्य में, देखिए, क्योंकि जब मैं राइटिंग स्किल पर आपको लेकर चल रहा हूँ धीरे धीरे, और जैसे राइटिंग स्किल पर जाएंगे तो आप अभी तक क्या सीखे हैं, नहीं सीखे, 11th में आपने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आप यहाँ ट्रांसलेट करेंगे और एक छोटा सा लाइन से लेकर बड़ा बड़ा लाइन ट्रांसलेट करेंगे, मेरे ऊपर विश्वास रखिए और पढ़िए इसको। आपको मैं मैंने एक किताब दे दिया जाए एनसीईआरटी का, कहा जाए इसको ट्रांसलेट कर लो तो आप करोगे, ये मेरा दावा है, और ये मैं करवा के रखूंगा आपसे, और ये इसी पर मैं काम कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजों को आपको समझने की जरूरत है कि इस वाक्य में डूअर क्या है और नॉन डूअर क्या है। मैं सब्जेक्ट पर ही काम कर रहा हूँ, तो सब्जेक्ट में आपको ये सीख लेना है कि डूअर किसे कहते हैं और नॉन डूअर किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ आपको समझ में आ गया होगा कि डूअर किसे कहेंगे और नॉन डूअर किसे कहेंगे, यानी जो स्वयं कुछ करेगा वो डूअर होगा। टेंस में डूअर का प्रयोग करते हैं, डूअर सब्जेक्ट का प्रयोग कहाँ करेंगे? टेंस में। यानी एक ट्रिक है कि 95% लिविंग जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा। उसी तरह अब नॉन डूअर की बात कही जाए तो जो स्वयं कुछ करता नहीं है बल्कि उसी पर कुछ घटित होता है। जैसे मैं कहूँ कि पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा मनाई जाती है, तो पहले सब्जेक्ट निकालूँ, क्या मनाई जाती है, तो दुर्गा पूजा सामने आएगा, पश्चिम बंगाल नहीं आएगा, तो दुर्गा पूजा यानी सब्जेक्ट हो गया। अब देखो कि दुर्गा पूजा कुछ करता है तो नहीं करता है, यानी नहीं करता है तो नॉन डूअर हो गया। वैसे भी देखोगे तो दुर्गा पूजा क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो आप पहचान लोगे कि डूअर है या नॉन डूअर है। सबसे मुख्य काम यही है। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया कि डूअर सब्जेक्ट किसे कहेंगे और नॉन डूअर सब्जेक्ट किसे कहेंगे। अब सब्जेक्ट में थोड़ी सी और कुछ
कसर रह गया है उसको भी आज समझिए लेते हैं। देखिए, सब्जेक्ट में आपको बताया था कि नहीं बताया था तो बता दे रहा हूँ। सब्जेक्ट वन वर्ड का हो सकता है और मोर देन वन वर्ड, यानी एक से अधिक वर्ड का भी, मोर देन वन वर्ड्स का भी सब्जेक्ट होता है। अब आपको सब्जेक्ट, जैसे पहले बात को समझो, मैं कहूं कि लता गाना गा रही है, दूसरा लता अपने सहेली के साथ गाना गा रही है, मैं कहूँ तीसरा मेरा प्रिय मित्र रवि अपने पत्नी राधिका के साथ प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी से मिला। ध्यान ये देना है बाबू। अब देखो, मैं छोटा सा लेकर बड़ा वाक्य की बात करता हूँ। मैं फिर कह रहा हूँ कि मैं आपको हीरो बना दूंगा, चाहे वाक कितना हो छोटा हो या चाहे कितना हो बड़ा हो। ट्रांसलेट कर रहे हूँ, यूँ सीखेंगे आप ट्रांसलेट करना। और इसके लिए मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, इस पर आपको काम कर रहा है। सबसे पहले इसमें आपको सब्जेक्ट ढूंढना है, तब देखना है कि सब्जेक्ट डुअर है या नॉन डुअर है, तब देखना है सब्जेक्ट एक वर्ड का है कि एक से अधिक वर्ड का है। तो काम करते हैं, लता गाना गा रही है, कौन गाना गा रही है? तो लता, यहाँ मैं पूछू कि कौन गाना गा, यहाँ पूछे कि कौन गा रही है तो क्या हो जाएगा, लता अपने सहेली के साथ गा रही है, लेकिन लता सिर्फ गा रही है, तो लता अपने सहेली के साथ गा रही है, लता भी गा रही है, सहेली भी गा रही है। यहाँ देखो बाबू, सब्जेक्ट सिर्फ लता नहीं है, इस भ्रम में मत रहो। ये पूरा है, मैं तो हूँ एक अंधा व्यक्ति रोड पार कर रहा था, तो सवाल का सब्जेक्ट क्या है, अंधा है या व्यक्ति है या रोड है, नाउन आपको देखना। तो मैं आपको बता दूं, एक व्यक्ति, एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था, तो आप बताओ कि एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था मैं, सब्जेक्ट कौन होगा? तो एक अंधा व्यक्ति होगा, सिर्फ व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि वो अंधा ही अपने घर पर छोड़ के नहीं गया है, उसके साथ ही है, याद रखना होगा। अब इस बात में देखिए, मेरा प्रिय मित्र रवि अपने पत्नी राधिका के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिला, कौन मिला, क्वेश्चन करो, कौन मिला? तो कौन मिला मैं, मेरा मेरा प्रिय मित्र रवि अपने पत्नी राधिका के साथ प्रधानमंत्री से मिला। अकेले खाली मेरा प्रिय मित्र रवि नहीं मिला है या मेरा मित्र नहीं मिला है, तो इस वाक का सब्जेक्ट, यानी मैं आपको ये सिखाने के प्रयास कर रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट जो दिखता है वो छोटा नहीं होता है। पहले इसी को आपको बनाने में दिमाग खराब हो जाएगा, तो दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, और जब आर रंजन आपके साथ है तो आपको परेशानी नहीं होगी अंग्रेजी में। अंग्रेजी तो मैं आपको पानी की तरह सिखाऊंगा, जिस तरह पानी एक
की तरफ बोलिएगा। चलिए अब आप यहाँ सब्जेक्ट को सीख लिए कि ये सब्जेक्ट एक वर्ड के भी हो सकते हैं और एक से अधिक वर्ड के भी हो सकते हैं। बेसिक क्लास नहीं छोड़ना चाहिए, बेसिक से ही आप हीरो बनेंगे, यानी जीरो से हीरो बनना होता है, तो बेसिक को नहीं छोड़ा जाता है, बेसिक को ध्यान से पढ़ा जाता है। चलिए तो सब्जेक्ट कई तरीके से मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में बताया, और सब पर ध्यान देना है ट्रांसलेट करते समय, राइटिंग स्किल की जरूरत पड़ेगी और वहां आपको इसको यूज भी करना। ये सब्जेक्ट को एक और चीज समझते हैं, तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये भी है आपके लिए, आपके दृष्टिकोण से सब्जेक्ट बाबू सिंगुलर हो सकता है, सिंगुलर हो सकता है और सब्जेक्ट आपका प्लुरल हो सकता है। अब तो सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लुरल किसे कहते हैं ये आपको परेशान करेगा, तो एक जो हो सिंगल जो हो सिंगुलर, एक से अधिक हो प्लुरल, ये बात आपको समझना है। चलिए तो देखते हैं कि ये क्यों मैं आपको लिखा, तो जान लीजिए इसको लिखने के पीछे एक ही रहते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सिंगुलर आएगा, क्योंकि तुरंत इसके बाद वाला मैं आपको घर पर ही सिखाऊंगा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ क्लियर हो जाएगा तो क्या सीखना है, तो किसी भी वाक्य गठन में एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब, तो जब ये सीख लिए तो अब वर्ब ना सीखना है जी। तो चलिए तो वर्ब यानी जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब सिंगुलर आएगा। दूसरी बात, यदि मान लीजिए कि यहाँ सब्जेक्ट प्लुरल हो, तो यानी सब्जेक्ट प्लुरल हो तो वर्ब भी प्लुरल ही आएगा। समझ गए नहीं समझे तो एक बार को देखिए, मैं यहाँ कहूँ कि रवि और मैं यहाँ वर्ब दे रहा हूँ, मान लीजिए मैं दूँ गो और बी मैं दे दूँ गोज और एक वाक्य यहाँ दे रहे हैं, मान लीजिए मैं कहूँ कि दे और डॉट ए मैं दे दूँ गो और बी मैं दे दूँ गोज, समझ लेना है। तीसरा यहाँ देखते हैं, मैं कहूँ कि द वा ए मैं लिखूँ प्ले, बी मैं लिखूँ प्लेज, यहाँ मैं लिखूँ कि द बॉयज और मैं यहाँ लिखूँ प्ले और यहाँ मैं लिखूँ प्लेज, ये आपको अब सीखना है कि क्या भरेंगे। तो बाबू ये सिंगुलर है, ये वो है, तो ये सिंगुलर लगा, इसमें सिंगुलर कौन है, यही तो मेन है। इसी की चर्चा मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, जिसका नाम होगा भर्ब, सब्जेक्ट के बाद भर्ब, समझ गए ना। तो ये जो चीज है यहाँ, वैसे आप जान लीजिए कि यही वैसे जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जो जानते, मैं बोला हूँ कि मैं इसको पढ़ाऊंगा जो कभी अंग्रेजी देखा सुना नहीं लिखा नहीं, उसके लिए है ये क्लास, उसके लिए है, और हीरो बनाऊंगा उसको। चलिए तो रवि ये
हो गया। अब दे है तो दे के साथ वो आ जाएगा क्योंकि वो प्लुरल हो। अब द बॉय है तो सिंगुलर आ जाएगा, द बॉयज है प्लुरल है तो वह प्ले हो जाएगा। ये चीज ये ट्रांसलेट में आपको जरूरत पड़ेंगे। क्लियर है? तो सब्जेक्ट मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा। सब्जेक्ट से संबंधित एक बात और आपको मैं बता दूं, सब्जेक्ट से संबंधित एक बात और समझ लीजिए, ये भी आपके लिए जरूरी है क्योंकि जब ट्रांसलेट करेंगे ना, मैं बहुत बड़ा काम आपको सिखाने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा चीज। मैं आपको बोला हूँ ना कि एक लाइन से लेकर एक किताब को ट्रांसलेट करना है, एनसीईआरटी की कोई किताब उठा लो और ट्रांसलेट कर दो, इसके लिए सारा मेहनत हो रहा है। और मैं फिर बोल रहा हूँ कि क्लास 12 के बच्चे को इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि आपको बहुत सारा चीज लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है, पैसेज लिखना होता है, लेटर लिखना होता है, एप्लीकेशन लिखना होता है, समरी लिखनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है, और इस सब के लिए यही है ग्रूमेंट राइटिंग स्किल। और राइटिंग स्किल में अगर आप पास तो सब पास, तो इसलिए पहले राइटिंग स्किल पर ही मैं आपका काम शुरू किया। चलिए देखते हैं एक चीज सब्जेक्ट में और सीखना है बाबू, क्या सीखना है? जैसे कोई सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ कोई एडजेक्टिव आए हिंदी में समझिएगा बेहतर, तो साथ चलेगा, ये नहीं कि एडजेक्टिव को अलग लिखे और इसको। जैसे मैं कहूं काला घोड़ा, तो बाबू ये दोनों सब्जेक्ट है। मैं कहूं कि एक सुंदर लड़की, अब मैं कहूं एक सुंदर लड़की बाजार जा रही थी, तो बाबू खाली लड़की थोड़े जा रही थी, सुंदरता भी उसके साथ ही साथ था। ऐसा थोड़ा था कि सुंदरता मुझ के घर पर रख दी थी, नहीं। हाँ इसीलिए गलत हो जाता है बात। मैं कहूं कि एक अंधा व्यक्ति सड़क पार कर रहा था। इस वाक्य में सब्जेक्ट निकालो, तो सब्जेक्ट निकालने के लिए मैं बोला हूं कि क्या या कौन लगाते हैं, प्रश्न करेंगे कि कौन पार कर रहा, क्योंकि दो नाउन है इसमें, ये भी है और व्यक्ति भी है, ठीक है कि नहीं? तो आप परेशान हो जाएंगे। तो पार कौन कर रहा था, तो व्यक्ति पार कर रहा था कि एक अंधा व्यक्ति। अब आप समझ में आ गया होगा कि आप यहाँ लिखेंगे कि एक अंधा व्यक्ति। यानी जब हमको किसी वाक्य में ट्रांसलेट करना होगा तो यही ना नियम है, तो इस जगह हमको ए लिखना होगा, अ ब्लाइंड मैन। ये ना आपका सब्जेक्ट हुआ कि खाली मैन सब्जेक्ट हुआ, तो आप फिर वो सीख नहीं पाएंगे जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस पर आपको ध्यान देना है
और बच्चों मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि प्रत्येक डे दो किताब मैंने दो वीडियो आपको देखना है 12th के लिए। किसके लिए? क्लास 12। और टारगेट क्या है? 2023, यानी 23 के लिए अब मैं बैच शुरू किया हूँ 2023 के लिए। तो यहाँ पर आप आज क्या सीखे? तो आज मैंने आपको सब्जेक्ट के बारे में सारी कमजोरी जो था आपके पास था उसको मैंने आपको बता दिया। अब कल जो वीडियो बनेगा बेसिक का ही वर्ब बनेगा। बेसिक का ही क्या बनेगा? वर्ब बनेगा। जब सब्जेक्ट और वर्ब मैं पढ़ा दूंगा तब मैं राइटिंग स्किल का फर्स्ट वीडियो बनाऊंगा। अभी राइटिंग स्किल नहीं है, बेसिक है। मैंने क्या लिखा था शुरू में कि व्याकरण यानी ग्रामर पढ़ने से पहले हमें क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसमें भी एक चीज है। क्लियर? तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। वो मिलेंगे हम लोग वर्ब, बेसिक वर्ब के साथ। गुड बाय, गुड लक।